यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये हैं: चावल 1 किलो, मुर्गी का गोश्त लिया है चिकन वो भी 1 किलो, प्याज 2 अदद, घी चाहिए होगा, और इसके अंदर टमाटर सब्ज़ मिर्चा डालेंगे, लहसुन का कुटा हुआ जाएगा 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच कुटा हुआ, और इसके अंदर हम जो मसाले डाल रहे हैं उसमें नमक आप हसबे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुर्ख मिर्चें हैं 1 चम्मच, हल्दी 3 से 4 चुटकी, ज़ीरा 1 चम्मच, और इसमें जो खड़े गर्म मसाले हैं उसमें जाएगी दालचीनी 2 टुकड़े या 3 टुकड़े जितने आप डालना चाहें, 3 से 4 अदद छोटी इलायची और मोटी इलायची 2 अदद, 10-12 छोटी मिर्चें जो ब्लैक वाली मिर्ची होती हैं वो, और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा नींबू 2 अदद, 8 से 10 हरी मिर्चें, और इसके अंदर एक मसाला और भी डालेंगे, वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी और ये एक सीक्रेट होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिजाब का किचन, और हिजाब के किचन में आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम देचकी में डालते हैं घी, 1 कप घी का है, घी या ऑयल आप जो भी डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, हमारे घर में घी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर प्याज डालते हैं, ये 1 बड़े साइज़ का प्याज था या 2 मीडियम साइज़ के प्याज आप जितना डालना चाहें, प्याज को हम जो है वो लाइट ब्राउन करना है, इसको ज़्यादा इसका कलर नहीं निकालना हमने, तो लाइट ब्राउन करेंगे प्याज। ये प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं, और अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन जो पेस्ट हमने बनाया था, और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी अदरक, थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अब इसके अंदर टमाटर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन और इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से फ्राई करना है मसाले में, अभी कोई भी हमने जो नमक वगैरह कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। अब चिकन में बाकी जो हमारे मसाले रहते थे हम वो डाल दें, मिक्स करेंगे इनको अच्छे से और अच्छे तरीके से चिकन को भून लेंगे। इसके अंदर एक मसाला और भी जाएगा, वो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, आपको बाद में बताती हूँ, जिससे चिकन पुलाव का जो टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस होगा। ये वो सीक्रेट मसाला जो मैं आपको कह रही थी कि मैंने आपको नहीं पहले मेंशन किया कि ये है वो, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे। मसाला बन चुका है और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, आपके जितने चावल हैं अपने नाप के हिसाब से उसमें पानी डाल देना है। मेरे पास जो 1 किलो चावल थे और इसके अंदर हमने उसी हिसाब से ये पानी डाला है। चावल डाल देंगे हम इसके अंदर, चावल सारे डाल दिए हैं, और अब इसको ढाँप के रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए कि उबाल आने शुरू हो जाए इसके अंदर, और फिर इसके बाद नमक चेक करेंगे। अच्छा, जो हमने इसके अंदर मसाला डाला था जो मैं आपको कह रही थी बाद में बताऊंगी, तो वो जो साबुत धनिया और जो सौंफ होती है 2-2 चम्मच वो लेके, और उसको हमने अच्छे से कूट लिया है, और अगर आप चाहें तो आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, और इसके अंदर हमने वो डाला है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू पुलाव की आती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टेज पे हम इसके अंदर जो हमारे पास सब्ज़ मिर्ची और जो नींबू थे वो डाल देंगे, ये अब हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ढक्कन चलिए जी इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं और पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। चलिए जी, अब ढक्कन उठा के देख लेते हैं कि नमक चेक कर लेते हैं, नमक मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। देखें जी, माशाल्लाह से चावलों का दम आ चुका है, देखें चावल कितने अच्छे बने हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा।
आपके चावल भी बिल्कुल ऐसे बनेंगे। चले जी, अब हम यखनी पुलाव को डिश आउट करते हैं और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो बेल का आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के हवाले से जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये यखनी पुलाव कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।